प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें मैंने पहली वीडियो बना दी है, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे उत्पादन और उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसके तरीके को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो सकती। देखिए, अब स्थानीय जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन करती है, और जो स्थानीय कंपनियां है ना उनको नवीनतम मशीनें या वही प्रौद्योगिकी, आप समझ लो कि प्रौद्योगिकी का मतलब ये आपका नया टेक्नोलॉजी, मतलब नया नया मशीनें उन लोगों को मिल जाती है। आगे चलते हैं। स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके साथ उत्पादन का प्रसार करना। तो क्या करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है और उनके साथ फिर क्या करती है, उत्पादन का प्रसार करती है, मतलब उत्पादन को बढ़ाती है। और पहले स्थानीय कंपनियां क्या, वो एक उत्पादन करके एक ही जगह पे बेच सकते हैं उस सामान को, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है उस उत्पादन को या तो पूरे भारत में बेचेगी या तो हो सके तो विदेश में भी उसको बेच सकती है। तो ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है। आगे चलते हैं। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से एक छोटे उत्पादकों को भी फायदा होगा। वो क्या कि वो छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती है और उनका जो ऑर्डर वो बनाते हैं उन पे वो अपना लेबल लगाकर उनको बेचते हैं। ऐसे तो पता चलता है कि किसने बनाया, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट को छोटे उत्पादकों द्वारा भी तैयार किया जाता है, लेकिन उनका जो लेबल होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लेबल भी होता है। चलिए, जिनको नोटअप करना नोटअप करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्थानीय कंपनियों के साथ साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके वो क्या करिए, अपनी आपूर्ति के लिए क्या करिए, स्थानीय कंपनियों का क्या करिए, वो इस्तेमाल करिए और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके, मतलब क्या करिए, उनसे निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और क्या करिए, कभी 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 क्या, बहुत समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है और दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। क्या करें, दूरस्थ स्थानों पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। क्या हो रहा है, दूर दूर पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो जिनको नोटडाउन करना नोटडाउन करें। चलिए अब आगे देखते हैं। विदेशी व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता। तो पहले विदेशी व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने का अवसर प्रदान करता। क्या करता है वो, उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से विकल्पों का विस्तार भी होता है, और साथ ही साथ दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब दोनों में डिस्टेंस में दूर होने के बावजूद भी वो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। मतलब समझिए, मतलब ये कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है और ये कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है, अब इसका प्राइस हाई और इसका प्राइस लो है, लेकिन अगर ये प्रतिस्पर्धा होने लगी दोनों के बीचों में, अगर ये पहाड़ी प्रोडक्ट अभी इसी जगह पर बिकने लगा और दोनों में अब कंपटीशन का भावना हो गई, तो दोनों अपना प्राइस को एकदम सेम रखेंगे कि जिससे जो कंज्यूमर है वो उनका प्रोडक्ट खरीदने की ओर क्या हो, आपका उत्सुक हो, मतलब वो उनके और ज्यादा रुझान हो, इन दोनों में जो सस्ता मिले और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो वो लेना चाहेंगे वो। तो यही बात लिखी गई कि दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है, मतलब दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, आपका समान होने लगता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोग वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से थे,
तो प्रौद्योगिकी का विकास था, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था, परिवहन में सुधार था, क्या था, परिवहन यानी यातायात में सुधार हो चुका था, सूचना प्रौद्योगिकी में भी सुधार था आपका, दूर संचार एवं संचार उपग्रह भी था हो चुका था, और सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, अब सरकार क्या कर रहे थे, अवरोध की समाप्ति कर चुके थे। आगे चलते हैं, इंटरनेट, तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी आ चुकी थी, तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव। तो उपभोक्ता के लिए क्या था, देखिए उपभोक्ता के लिए क्या चाहिए, कम कीमत पर अच्छा सामान उपलब्ध हो जाए, अगर कम कीमत पर अच्छा सामान उपलब्ध हो जाए उपभोक्ता को और उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छा हो तो उपभोक्ता उसको प्रीफर करेंगे। तो वही बात क्या हुआ, पहले से अधिक विकल्प है उपभोक्ता के पास, अब क्या था, पहले से ज्यादा विकल्प हो चुके थे उपभोक्ता के पास, और आपका उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता थी, मतलब अब जो था उत्पादन का जो उत्कृष्ट गुणवत्ता मतलब क्वालिटी जो थी उत्पादन की बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, कम कीमत हो चुका था सामानों की, तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर हो चुका था, और अपेक्षाकृत क्या हो चुका था, जीवन स्तर भी क्या हो चुका था, उच्च हो चुका था। आगे चलते हैं, नए रोजगार के अवसर, अब वैश्वीकरण आने से अब आदमी लोगों के पास नए नए रोजगार के अवसर भी मिलने लगे। आगे चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। अब जो स्थानीय कंपनियां थी ना वो कच्चा माल किसको देती थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी को देती थी, और उनसे उनको पैसा मिलता था। तो इससे क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने के साथ साथ स्थानीय कंपनियां उनका भी विकास होना स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं, उनके शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, और उनके जो शीर्ष भारतीय जो कंपनियां थी ना वो भी क्या हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स को आप जानते हैं, इंफोसिस हो गया आपका, रेन बैक्सी हो गया, एशियन पेंट्स इत्यादि, ये सब क्या है, ये इंडियन कंपनी, लेकिन ये अब क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर गए। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो न्याय संगत वैश्वीकरण होगा वो क्या करेगा, सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए, और जो सरकार की नीतियां जो होगी वो सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होगी। उसके बाद देखिए, सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन हो, और सरकार क्या करे, सुनिश्चित करे कि श्रम कानून का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले, और क्या मिले, श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। आगे चलते हैं, सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है, कहां से समझौते कर सकती है, विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है, समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है, और क्या कर सकती है, समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखिए श्रमिक कानूनों में लचीलापन कंपनियों की सहायता करता है, मतलब जो श्रमिक कानून में जो लचीलापन आया ना उससे कंपनियों को किस प्रकार सहायता मिलती है, चलिए देखते हैं। श्रम कानून का लचीलापन के परिणाम स्वरूप कंपनियों को श्रमिक अधिकारों का पालन नहीं करना पड़ता। देखिए श्रम कानून में अब लचीलापन आने से तो कंपनियों क्या हो गया, श्रमिक कानून का उतना पालन नहीं करना पड़ता, अब उसमें उनको छूट दे दी गई है, जैसे पेंशन की सुविधा, सेवा अनुदान की सुविधा, सवेतन छुट्टी की व्यवस्था आदि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, क्या ये सब से मुक्ति मिल गई है कंपनियों। कंपनियां अपनी श्रम लागत में कटौती करने के लिए लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों का कार्य पर रखती है, क्या करती है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कम क्या श्रमिकों को रख सकती है, और जब काम खत्म हो जाए तो कंपनी श्रमिकों को हटा भी सकती है, मतलब यही बात है। देखिए कंपनी अपनी श्रम लागत में कटौती करने के लिए लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है, ठीक। इन कंपनियों में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती, ठीक है, रोजगार की सुरक्षा नहीं होती, मतलब ये कभी भी परमानेंट नहीं होते कि इनको अब 60 साल के रिटायरमेंट के बाद ही हटाया जाए, कभी भी हटाया जा सकता है, अर्थात श्रमिकों को कभी भी काम से हटाया जा सकता। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे देखते हैं श्रम कानून में, कंपनियों को कानूनी झंझटों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से निजात मिलता
क्या होता है, कंपनियों को कानूनी झंझट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से निजात मिलता है और वे बेझिझक अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और वो बेझिझक अपने व्यवसाय पे अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाते हैं। आगे चलते हैं। श्रम कानूनों में रियायत के कारण वे स्थानीय श्रम शक्ति का उपयोग बिना किसी शर्त या कठिनाई के कर पाते हैं। क्या? बिना किसी शर्त या कठिनाई के कर पाते हैं। तो यही था आपका श्रम कानून। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे भारत में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है, मतलब पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया, ठीक है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया। कुछ भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने का अवसर भी प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष दक्षता के कारण भारतीय को भारी मात्रा में रोजगार एवं आय प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के आने से ना भारतीयों को भारी मात्रा में रोजगार और आय भी प्राप्त हुआ। नवीन प्रौद्योगिकी की तीव्र गति से विकास हुआ, मतलब जो नया टेक्नोलॉजी आया ना उससे तीव्र गति में क्या हुआ, विकास हुआ। आगे चलते हैं। भारत की निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है, भारत के जो निर्यात व्यापार है उसमें भी वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है, और क्या हुआ आपका, विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है। तो ये था आपका भारत में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। तो लघु उद्यमी प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पाए और उनके लघु उद्योग बंद, मतलब जो जितने भी जो छोटे उद्योग थे ना वही प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पाए, मतलब उनके साथ कंपीट नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गए, बंद हो गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व कई देशी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद कर अपने में मिला। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का वर्चस्व इतना था कि वो कई देशी कंपनियों को खरीद कर क्या किया, अपने में मिला लिया। आगे चलते। चीन जैसे देशों से आयातित वस्तुओं का बाजार में आधिपत्य, और चीन की अभी वस्तुएं क्या बोलते हैं आपका, भारत के बाजार में बहुत ज्यादा आधिपत्य फैला चुकी है, वो बहुत ज्यादा डिमांड में देती थी, उसकी वस्तुएं सस्ती मिल जाती है हमको, इसलिए वो और सस्ती मिलती है और साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो उनका भी अभी जो मार्केट है जो इंडिया में है वो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, अब बहुत ज्यादा डिमांड है। आगे चलते हैं। लघु उद्योग के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी, और जो लघु उद्योग बंद हो गए हैं उससे क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगार लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्योगों में प्रतिकूल स्थितियों में कार्य करने का विवश है। अब जो बेरोजगार लोग है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो उद्योग है उसमें काम करने को विवश है। आगे चलते हैं। विश्व मुद्रा बाजार में उथल पुथल से भारतीय बाजार भी प्रभावित है। विश्व मुद्रा बाजार में जो उथल पुथल हुआ ना जिससे भारतीय जो है आपका बाजार भी प्रभावित है। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व के बारे में देखेंगे। वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात और निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात और निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, और यह अंकुश कौन लगाता है, सरकार लगाती है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। लेकिन सरकार ही है जो विदेशी व्यापार का जो आपका वृद्धि या कटौती करती है, ठीक है, वो तय करती है कि विदेशी व्यापार कितनी वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ठीक है, वो तय करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधा जैसे बिजली पानी सड़क परिवहन भंडार मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध, ठीक है, यही आपका क्या था, विश्व आर्थिक क्षेत्र भी था। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो यह चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।